Alright, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पांच गलतियां करते हो जिस वजह से आपको एक ग्लोइंग स्किन एक क्लियर स्किन नहीं मिल पाती है। तो ये वीडियो देखना, ये बहुत बड़ी पांच मिस्टेक्स है और इसमें से आप कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मिस्टेक नंबर वन जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है वो है, अब आप में से बहुत सारे लोग फेस वॉश तो यूज करते हो लेकिन उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते। आप क्या करते हो, बहुत जोर जोर से बहुत हार्श हो जाते हो अपनी स्किन के साथ, एकदम घिस घिस के साफ करने लगते हो। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सॉफ्ट हैंड से एकदम हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फेस वॉश लिया, ये लगाया और ये पानी डाल के साफ, तो ऐसे नहीं करना है। आपको मसाज करनी है कम से कम 30 सेकंड्स तक। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक अपने चेहरे को घिसने लग जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, आपको 30 सेकंड एटलीस्ट हल्के हाथों से मसाज करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है फेस वॉश करने का, आप देखो, आप जब भी अपने चेहरे को धोए ना, उससे पहले अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से वॉश कर ले। इससे क्या होगा, आपके पोर सारे ओपन हो जाएंगे और जब आप फेस वॉश यूज करोगे उस टाइम पे काफी अच्छे से आपकी स्किन क्लियर हो पाएगी। और जब आपका फेस वॉश कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना, तो आपके वो जो पोर्स थे वो वापस से क्लोज हो जाएंगे। सेकंड मिस्टेक आती है, हम फेस वॉश के बाद अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाते, कोई क्रीम नहीं लगाते। ये बात कर रहा हूं मैं रात की, रात को फेस वॉश करने के बाद हम ऐसे ही सो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखो सुबह आप फेस वॉश करते हो, आपके पास सनस्क्रीन है लगाने के लिए, आपने सनस्क्रीन लगा ली, लेकिन रात को तो सनस्क्रीन लगाओगे नहीं, तो आप क्या करते हो, रात को ऐसे ही सो जाते हो। लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत कमाल का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और यकीन मानो मैं उसको यूज कर रहा हूं, मेरी मम्मी यूज कर रही है और हम दोनों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी स्किन रात को बहुत अच्छे से हील होती है, बहुत अच्छे से रिपेयर होती है, और अगर उसको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए तो आपकी स्किन बहुत कमाल लग सकती है। तो आपको चाहिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को ब्राइट करे, लाइट करे, आपके डार्क स्पॉट हटाए, आपके डार्क सर्कल्स को हटाए, आपके व्रिंकल्स को हटाए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे फेस की, तो वो है मुस्टेक का स्किन लाइटनिंग ऑयल। अब सबसे बेहतरीन बात मुस्टेक स्किन लाइट ऑयल की क्या है कि वो 100% नेचुरल है, मतलब आपको कोई भी साइड इफेक्ट वो नहीं देने वाला, और मैंने पर्सनली यूज किया, मेरे स्किन के ऊपर देख सकते हो यार इफेक्ट। इसको यूज कैसे करना है सब मैं बताता हूं, मुस्टेक के स्किन लाइटनिंग ऑयल को यूज कैसे करना है। देखो सबसे पहले इसको यूज करने से पहले ना आपको अपने चेहरे को क्लियर करने की जरूरत है, तो मैं जो फेस वॉश यूज कर रहा हूं वो है मुस्टेक का। इस फेस वॉश में SLS और पैराबिन दोनों नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली नेचुरल है और आपकी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश यूज करना था, उसके बाद आपको यूज करना है मुस्टेक का स्किन लाइटनिंग ऑयल। तो सबसे पहले आपको इसकी 4-5 ड्रॉप्स ले लेनी है और इसको अपने चेहरे पे आप अच्छे से अप्लाई करो मसाज करके। ये सुबह आप मत लगाना क्योंकि ये ऑयल है, ये सारे डस्ट को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सुबह आपको इसको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ रात को सोने से पहले फेस वॉश करो और इसको अप्लाई करके सो जाओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। विद इन 14 डेज आप रिजल्ट देखने लग जाओगे, विद इन 14 डेज आपके जो डार्क स्पॉट थे वो हल्के हल्के लाइट होने लग जाएंगे, सही में नोटिस करूंगे कि बहुत शानदार रिजल्ट मिले थे। और मैं आपको हमेशा वही चीजें बताता हूं जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, यकीन मानो अगर आपका नेचुरल स्किन टोन खो गया या फिर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, इस प्रोडक्ट को एक बार यूज करके देखना, एक बार यूज करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि कितना शानदार है ये प्रोडक्ट। ये मेरे मम्मी के फेस पे भी आप इफेक्ट देख सकते हो, इनके रिंकल्स कितने ज्यादा कम हुए हैं, मेरे जो डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम थी आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो है अपने फेस को बार बार टच करना। आप देखो आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो, उसके बाद अपने फेस को टच कर रहे हो, आप अपने मोबाइल को अपने साथ टॉयलेट में ले जा रहे हो, बाथरूम में ले जा रहे हो, सब जगह ले जा रहे हो, मतलब ढेर सारे जर्म्स लग गए उसके ऊपर, और अब आप मोबाइल यूज कर रहे हो और उसी के साथ अपने हाथ गालों के ऊपर ऐसे हाथ लगा रहे हो, अपनी आईज के यहाँ पे हाथ लगा रहे हो, कहीं पे भी हाथ लगा रहे हो तो जर्म्स वहां पे भी जाएंगे और पिंपल के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेटर है आप अपने मोबाइल को बाथरूम में ले जाना बंद करें और बार बार अपने स्किन के ऊपर हाथ बिल्कुल भी मत लगाए। मिस्टेक नंबर 4, हर एक चीज को ओवर ले जाना, बहुत सारा फेस वॉश यूज करना, बहुत सारी क्रीम लगाना, बहुत सारी का मतलब है कि एक क्रीम अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो आप चलो आपके फेस को जितनी जरूरत है उतनी लगा ले, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सारी क्रीम लेके आप लगा रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो मेरे भाई देखो प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करोगे ना ज्यादा क्वांटिटी में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो, आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लो तो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट दिखेगा, शायद हो सकता है कि अगर आप उसको ज्यादा ले लो तो आपकी स्किन के ऊपर कुछ रिएक्शन आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए।
ये गलती बहुत लोग करते हैं, या तो बहुत कम प्रोडक्ट लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना जरूरी है उतना ही आपको प्रोडक्ट लेना है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5, और मैं डैम श्योर हूं आप ये गलती करते होगे और करते ही होगे, और वो गलती क्या है, आप जब भी नहाते हो तो आप सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेते हो, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपको लग रहा होगा भाई इसमें गलती क्या है, तो गलती ये है जब आप अपने फेस को सबसे पहले वॉश कर लेते हो उसके बाद अब शैंपू किया आपने, तो शैंपू में ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके फेस पे आती है शैंपू करते वक्त, और वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बालों के लिए वो अच्छी है लेकिन स्किन के लिए वो अच्छी नहीं है, तो वो आपकी स्किन के ऊपर रह जाती है, तो आपको बाद में फेस वॉश करने की जरूरत है। कुल मिला के बात यह है कि जब आप नहाने जाओ तब सबसे लास्ट में अपने फेस को वॉश करो। ये 5 गलतियां मत करना, आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन बहुत बेहतरीन होती जा रही है, बहुत मजेदार होती जा रही है, बहुत मस्त होती जा रही है। तो प्लीज ये वाली 5 गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे